कुछ समझ नहीं आ रहा कि व्हाट्सएप करने क्या जा रहा है, और व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली का फैसला कर लिया है और एप्लीकेशन के इस्तेमाल के लिए शराइत व ज़वाबित और प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीलियां लाते हुए व्हाट्सएप के अंदर नोटिफिकेशन भेजने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपको पता है जब भी आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि इसको अपडेट करें। तो व्हाट्सएप के नए जवाबित और प्राइवेसी पॉलिसी का नफाज 8 फरवरी 2021 से होगा और सार्फीन को इन्हें लाजमी कबूल करना होगा, वरना इनके अकाउंट डिलीट कर दिए जाएंगे। आप कुछ भी कर लें लेकिन आपको इसको एक्सेप्ट करना ही करना है। इस नोटिफिकेशन में अहम अपडेट्स के बारे में बताया गया है कि सार्फीन डाटा के हवाले से कंपनी का इख्तियार बढ़ जाएगा और कारोबारी इदारे फेसबुक की सर्विसेज को इस्तेमाल करके व्हाट्सएप चैट्स को स्टोर और मैनेज कर सकेंगे। फेसबुक की जानिब से व्हाट्सएप को अपनी दीगर सर्विसेज से मुंसलिक भी किया जा सकेगा। अब सार्फीन जो सालों से व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें एप्लीकेशन का इस्तेमाल बरकरार रखने के लिए 8 फरवरी 2021 तक इन शराइत और जवाबित से इत्तेफाक करना होगा। और व्हाट्सएप की इस तब्दीली पर अक्सर सार्फीन हमें बरहम भी नजर आए और उनकी जानिब से समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर इस पर बरहमी का इजहार भी किया गया। इस अपडेट से सार्फीन की सिक्योरिटी किस तरह मुतासर होगी, इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ रही है और ये अपडेट सार्फीन के लिए किस कदर रिस्की हैं, इस सब पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं हुमा आमिर हैं और जो आईटी एक्सपर्ट हैं, उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद राहिल इकबाल भट्ट जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे आप दोनों? थैंक यू सो मच मुनीबा, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। हुमा से स्टार्ट करते हैं। हुमा, ये जो हाइप आ गई है, व्हाट्सएप नई पॉलिसी आ गई है, क्या है ये, आखिर ये नई पॉलिसी है क्या? एक्चुअली हर चीज़ जब भी कोई नई लॉन्च होती है तो उसकी कोई ना कोई अच्छी बुरी हाइप ज़रूर क्रिएट होती है। अब ये है कि इसकी एक बंदे ने अगर कोई नेगेटिव बात की है तो वो फिर चल सो चल हो जाता है। बट ये है कि आई मीन इट्स नॉट दैट प्रॉब्लमैटिक। बेशुमार जिस तरह फ़ोन की अपडेट्स आती हैं, ये भी उसी तरह की अपडेट्स हैं। वी नीड टू फॉलो दीज अपडेट्स बिकॉज दैट्स द पार्ट ऑफ द रूल। और सिंपली एक रूल ऑफ थम ये है कि आप इसको एक्सेप्ट करें। इसमें इतनी कोई बात नहीं है कि आपकी सारी चैट्स लीक हो जाएंगी, अच्छा, आपका सारा डेटा लीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। हमारा डेटा ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट के पास है, जो इंटरनेशनल जो लोग बैंकिंग करते हैं, इंटरनेशनल जिन लोगों की ट्रांजेक्शन्स हैं, जो इंटरनेशनली डील करते हैं, उनके सारे डेटाज, उनकी आईपी एड्रेसेस, उनके ईमेल एड्रेसेस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनकी ड्यूरेशन, एवरीथिंग इज देयर। तो वाई नॉट कि आप व्हाट्सएप यूज़ कर लें तो आप लोगों अगर सिक्योर फील करें तो क्या प्रॉब्लम है? इसमें सिर्फ एक चेंज ये है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू बिजनेस अकाउंट्स, क्योंकि दो व्हाट्सएप्स होते हैं, एक तो रेगुलर व्हाट्सएप होता है जो हम लोग आम यूज़ करते हैं और एक बिजनेस अकाउंट होता है, एक बिजनेस व्हाट्सएप होता है। बिजनेस व्हाट्सएप में ये कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आम व्हाट्सएप में नहीं होते, और ज़रा थोड़ा सा प्रिविलेज दिया जाता है क्योंकि बिजनेस अकाउंट होल्डर्स हैं वो, तो उनके लिए ट्रांजेक्शन्स ईजियर होती हैं। अब ये रेगुलर में भी ये हो जाएगा कि ट्रांजेक्शन्स और पेमेंट्स कर सकेंगे आप थ्रू व्हाट्सएप। ये वही चीज़ है जिस तरह हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं ना, हम वहाँ पे अपने मोबाइल की ऑनलाइन ऐप पे हर इंफॉर्मेशन देते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन देनी है। सिर्फ इतना डिफरेंस मज़ीद है कि उनको आपकी ड्यूरेशन का, आपके जो क्या क्या चीज़ें, आप किन किन लोगों को ज़्यादा आप इन कॉन्टैक्ट होते हैं, और उसके अलावा ये अब उन लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस होगी कि आपकी बैटरी टाइमिंग्स क्या हैं, आपके जो जिन लोगों के साथ आपकी ज़्यादा इंट्रैक्शंस हैं, आपकी डीपी, आपका पिक्चर्स, एवरीथिंग। आपको लगता है, आपको क्या लगता है ये नई पॉलिसी आखिर है क्या? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। मैं थोड़ा सा अपने मुझसे ज़रा डिसएग्री थोड़ा सा करता हूँ। डेफिनेटली हमारा बिजनेस एस्पेक्ट भी है और हमारा एक वन ऑन वन डिस्कशन है थ्रू व्हाट्सएप, हम लोग एक नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमारा जो हमारे कॉमन पीपल है, दे डोंट कंसिडर के जी मुझे बिजनेस के आस्पेक्ट्स क्या देखने हैं, दे कंसिडर के मेरी जो प्राइवेसी है वो ब्रीच ना हो। कॉमन पीपल का सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि मेरी प्राइवेसी ब्रीच ना हो। ऑल ऑफ अ सडन, अच्छा अगर हम मैं इस बात को एग्री कर लूँ कि ठीक है हम एक बिजनेस एस्पेक्ट से देखें, इफ़ यू आर नॉट डूइंग सॉर्ट ऑफ मैल फंक्शनिंग, अगर आप नहीं कर रहे तो देन डजेंट मैटर, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ सिर्फ एशियन कंट्रीज़ के साथ क्यों? ये पॉलिसी यूरोपियन कंट्रीज़ में तो नहीं है, दे डोंट इवन कंसिडर कैनेडा, अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज़ पर ये
ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों? वाई नॉट वी द थर्ड कंट्री, जिस उन्होंने बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप लोगों के लिए पॉलिसी है, उन कंट्रीज़ के लिए नहीं, या तो पॉलिसी फॉर ऑल। और आज ही मैं अभी मैं देख रहा था कि हमारा मुस्लिम कंट्री टर्की है, प्रेसिडेंट उर्दवान ने स्ट्रांगली बैप को यूज़ करने के लिए कर दिया, यानी स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि जी इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप वी आर यूजिंग बैप, दे हैव देयर ओन सॉर्ट ऑफ चैटिंग ऐप जिनस। सो एक नंबर ऑफ चीज़ें शिफ्टेड हो रही हैं फ्रॉम वन एस्पेक्ट टू द अनदर, एंड कंट्री का हेड ऑफ स्टेट अगर ये भी चीज़ कर रहे हैं, एंड द रिजस्ट मैन एक अनदर हम लोग आता है, उसने गूगल पे उसमें ट्वीट कर दिया कि आप इस ऐप की बजाय आप दूसरी ऐप को यूज़ करें, एंड 2.2 मिलियन इंस्टेड ऑफ टेलीग्राम या सम सॉर्ट ऑफ अदर ऐप्स जो डाउनलोड हो रही है। तो अगर इतनी सो सिंपल चीज़ हो हमारे लिए जैसे मेरी हुमा ने कहा, तो हमें तो फिर उस तरफ मूव ही नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो फिर हुमा आपने जैसे कहा कि हमारा ऑलरेडी डाटा मौजूद है, गवर्नमेंट को पता है हम क्या कर रहे हैं, तो फिर ये नई पॉलिसी लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ज़्यादा सिक्योर करना ना इन लोगों ने, सिक्योर करना है। इस तरह सिक्योर हो जाएंगे, सिक्योर होते हैं हम लोग इसलिए क्योंकि आप क्यों फर्ज करें आप और मैं व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैट वो लीक तो नहीं होगी, इट्स स्टिल इनक्रिप्टेड। अच्छा, चैट्स आर स्टिल इनक्रिप्टेड, ऐसा नहीं है कि वो आपकी और मेरी रैंडम चैट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में नशर हो जाएंगी या लीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि ये फेसबुक के साथ अटैच हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने अपने आप फेसबुक पे करना ही नहीं है डाटा शेयर, क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक पे इल्ज़ाम हैं कि वहाँ पर मसला है कि वहाँ पर आपकी लीक हो जाती है इन्फॉर्मेशन, उसका भी रीज़न है ना, उसका भी रीज़न है क्योंकि लोगों के पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स नहीं हैं। लोग ठीक है, कुछ कंपनी की तरफ से भी कुछ इश्यूज हैं कि उनका लॉस ऑफ पेपर वर्क हो जाता है, उनकी तरफ से भी नेग्लिजेंस होती है, लेकिन लोगों का भी इशू है। मेरा अगर मैं अपर केस लोअर केस रखती हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स रखती हूँ, अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखती हूँ, मेरा डेटा लीक नहीं होगा। अगर मेरा पासवर्ड 4 लोगों के साथ शेयर्ड है, इट विल ऑब्वियसली बी लीक्ड। और दूसरी बात यह है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज में आईडी हैक कर लिया जाता है, बिल्कुल हैक किया जाता है, हर जगह हैक हो जाता है, आप लोगों का व्हाट्सएप भी हैक हो जाता है, आपका क्या टेलीग्राम हैक नहीं हो सकता? तो इसका अगर ये वाली पॉलिसी आएगी तो नहीं होगा? पर नहीं, हैकिंग इज ऑलवेज देयर, क्रिमिनल एक्टिविटीज को आप रोक नहीं सकते। आप यस यू कैन नॉट रिफ्रेन फ्रॉम दोज, बट यू कैन टेक प्रिवेंशन। अगर आप ये कहो कि नहीं जी ये एक्टिविटीज ही ना हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो क्या राहिल, आपको लगता है कि सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे इस पॉलिसी? सिक्योरिटी में इस एंगल से तो मैं हुमा से एग्री करता हूँ कि हैकिंग एक क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनल एक्ट हम इस चीज़ को उस एस्पेक्ट में भी देखें कि हमारी गवर्नमेंट, मेरी आज ही एक बड़े सीनियर रिस्पॉन्डेंट हैं FIA साइबर क्राइम से, मुझे उनसे भी ओपिनियन मैंने लिया कि व्हाट दे आर थिंकिंग, एंड दे आर टोटली अगेंस्ट दिस पॉलिसी। इफ द गवर्नमेंट इज अगेंस्ट दिस पॉलिसी, देन हमें उसको देखना पड़ेगा, वी लुक इन टू दिस पॉलिसी, क्योंकि मेरी बड़ी रिस्पॉन्सिबल एक डेप्टी डायरेक्टर से आज बात हुई, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी कि ये वाली चीज़ हो, हमें हमारी इट सेल्फ सिक्योरिटी ब्रीच बहुत इशू है। तो गवर्नमेंट और देन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में भी बड़ा कहा कि हमें इसको वाइडर एस्पेक्ट पे देखना चाहिए और हमें इसके लिए पॉलिसीज़ को बड़ा देखना चाहिए, क्योंकि 8 फेब के बाद एक अभी पॉलिसी व्हाट्सएप ने हमारे इंप्लीमेंट नहीं की, दे जस्ट गिव अस द रिलैक्सेशन कि आप थिंक करें इसके बारे में देखें, 8 फेब के बाद दे हैव द राइट टू यू कैन से ब्लॉक अस इन सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आपका अकाउंट जो है वो बंद कर दे। टिल देन गवर्नमेंट एक इंप्लीमेंट किए कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो हमारी है उसे बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस किया जाए कि हमारा डेटा जिनसे वो ब्रीच ना हो। डेटा ब्रीच होने का सबसे इशू एक तो ये है कि आपके हैकर्स तो ऑलवेज दे विश कि ये ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज करें, लेकिन हमारा जो डेटा जो हम लोग इंडिविजुअल बिजनेस एस्पेक्ट से भी करते हैं, कुछ हमारा आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी बहुत ज़्यादा है। हम उस पिवट पॉइंट पे हैं या पाकिस्तान उस पिवट पॉइंट पे है जिधर हमारे नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी रीजंस का बहुत है, तो अगर ये भी चीज़ हम अलाउ कर देंगे तो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। नाउ हियर आई हैव टू से समथिंग, उस तरह तो हमारा नादरा भी डेटा ब्रीच करता है, तो आपको तो फिर नादरा भी बंद कर देना चाहिए, पॉइंट है। लेकिन नादरा इज़ अ गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। एग्जैक्टली, बट स्टिल आपका डेटा ब्रीच होता है और बहुत ज्यादा डेटा ब्रीच होता है। यू जस्ट हैव टू एंटर द पिक्चर और यू जस्ट हैव टू एंटर द नेम और यू जस्ट हैव टू एंटर द आईडी कार्ड नंबर, सारा फैमिली ट्री आ जाता है। इट मींस कि योर डेटा इज ब्रीच्ड। व्हाई ओनली पीपल आर
क्रिएटिंग हाइप अगेंस्ट व्हाट्सएप. आई एम नॉट सेइंग कि ये तो मतलब आपकी ब्रीच नहीं होती चीजें. एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा. यस, इसलिए देखिए, ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है. नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, हर चीज के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. अगर मैं एक घर में रहती हूँ और मुझे रात के 2 बजे के बाद या 12 बजे के बाद या 10 बजे के बाद आने की इजाज़त नहीं है तो मैं क्या करूँगी? रूल्स एंड रेगुलेशंस वायलेट कर रही हूँ ना मैं. हर चीज़, हम अपनी कंट्री में ड्रग्स नहीं बेच सकते ओपनली, बॉडी ऑर्गन्स का हम लोग कारोबार नहीं कर सकते, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं. वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. इसका मतलब है कि वी शुड नॉट एक्सेप्ट इट? व्हाई नॉट? रूल्स एंड रेगुलेशंस हम जब भी फॉलो करना होता है, हमें इश्यूज क्यों क्रिएट हो जाते हैं? फेसबुक हैक होता है, एक्सेप्टेबल. व्हाट्सएप भी तो हैक होता है. जो नॉर्मल रेगुलर जो लोग हैं उनके पास रैंडमली कोई कॉल आती है कि जी आप ये इश्यूज हैं, हम फलाने बैंक से बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप प्लीज़ आपके उस मोबाइल पे कोड आएगा, आप मेरे साथ वो कोड शेयर कर दीजिएगा. पीपल डू नॉट, I repeat with all capital letters, do not know, they should not share the code. They still do it. उनका डेटा लीक हो जाता है. लीक हो जाता है, बिल्कुल. वो ऑन पर्पज नहीं होता, वो उनकी नेग्लिजेंस होती है. जब आप इस तरह की चीजें निग्लेक्ट करोगे, अपनी सिक्योरिटी आप खुद नहीं करोगे, तो who else is going to do that? लेकिन राहिल, अगर हम, मैं नहीं चाहती कि मैं ये वाली नई वाली अपडेशन लूँ, मैं ये वाली नई पॉलिसी लूँ, तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे करना ही है उसको एक्सेप्ट. वो ऑल्टरनेटिव तो ये है कि अगर आपने उसको एक्सेप्ट करना ही है ऑन द बेसिस ऑफ ये कि दिस इज द ओनली चैनल यू कैन कम्युनिकेट विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, या जो आपने लोकल के साथ आपका एक कम्युनिकेशन का वे है, देन आपको एक ऑन अ सीरियस नोट तो फिर एक्सेप्टेंस देनी है. लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस हम सिक्योरिटी की बात कर रही थी, तो कुछ पॉलिसीज, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे पास ऐसे हैं जिसको हमें अडॉप्ट इस एंगल से नहीं करना कि क्योंकि हमारा जिन्होंने इन्होंने हमारा उसका नादरा की बात की, गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हम उस पर क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं. ये वाली इंटरनेशनल परस्पेक्टिव से हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तान में बात नहीं कर रहे, हम इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड्स को अपने भी चीज़ों से भी कर रहे हैं. एंड ऑल ऑफ अ सडन हमारी बहुत सी चीज़ें, फिर वही वाली बात है कि आप यूरोपियन कंट्रीज पर यह पॉलिसी क्यों नहीं करते? वाई नॉट ऑन एशियन कंट्रीज या पाकिस्तान या समथिंग लाइक डेट? अगर ये पॉलिसी आनी थी तो पॉलिसी फॉर ऑल. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वाई इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम, इस वक्त ये पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? If there is any sort of some haphazardness in all over the global world, हमें पता है कि ये डिजिटलाइजेशन का दौर है, ये ग्लोबल वर्ल्ड है, लेकिन ये डजेंट मीन्स कि आप 11th आर पे और पॉलिसी ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी जिसमें कोई रिलैक्सेशन भी नहीं है. इट टेक्स जस्ट ऑलमोस्ट अ ईयर, आप एक एग्जाम्पलरी तौर पे, एक टेस्ट केस के तौर पे दे सकते हैं. एंड द पीपल शुड हैव द ऑप्शन, मतलब जिस तरह कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते. लेकिन आफ्टर 8th of February के बाद अगर आप ये कर दें कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ दिस चैट, तो दो हमारे स्टैटिस्टिक हमें बता रहे हैं कि दूसरी ऐप्स जो टेलीग्राम है, ये दो और दो हैं, 2.2 million से अबव डाउनलोड उनके विद इन 2 days में है. अच्छा, 2 days में 2.2 million अबव. व्हाई इट इज सो? अगर पीपल, अगर लोगों को इतना इंटरनेशनल इससे कोई इशू नहीं है, तो व्हाई दे डाउनलोड अदर एप्स? If they still think that they are totally encrypted and the data is safe, no breaching and none of else, so then why they are downloading some other apps? मैं आपको ये बताती हूँ. देखें, इन लोगों के Facebook और इन लोगों की WhatsApp की, Instagram की, Telegram की, WeChat की, फिर उसके अलावा Signal की, इन सब की एक privacy policies होती है. Okay. ठीक है. व्हाट्सएप इतना बड़ा टेक जॉइंट है कि वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी इतनी रैंडमली ब्रीच नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता. ये हम, मतलब वो क्यों नहीं कर सकता, उनके उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं है. हमारा जब तक हैक नहीं होता तब तक हमारी प्राइवेसी नहीं डिस्टर्ब होती. मैं आपके साथ अपना पासवर्ड शेयर करूंगी तो यू विल बी गेट इन टू माई ऑल डिटेल्स. मैं आपके साथ अपना पिन कोड शेयर करूंगी तो आपके पास मेरी सारी डिटेल्स आएंगी. मैं शेयर ही नहीं करूंगी, मेरी पर्सनल चीज़ है. हाँ, उसमें कुछ अलर्ट्स हैं, सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं ये इसमें व्हाट्सएप में. वो अलर्ट्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करने के लिए. देखें, हमारी जो इंटरनेट की वर्ल्ड है, दैट इज़ कंप्राइजिंग अपॉन 3 things, द सर्फेस वेब, द डीप वेब एंड द डार्क वेब. तो सर्फेस वेब इज समथिंग दैट इज बीइंग यूज्ड बाय एवरी वन ऑफ अस, के जैसे बिंग हो गया, जैसे फायरफॉक्स हो गया, जैसे गूगल हो गया, ये वो सर्च इंजन्स हैं जो एवरी वन इज़ यूजिंग. ठीक है,
डीप वेब इज समथिंग दैट इज यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा. हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए. एक्सेप्ट अगर आप कर लेते हैं, स्टिल टेक केयर ऑफ योर प्राइवेसी. ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपने उसके अंदर अपना ईमेल एड्रेस डाला. अच्छा, वो आपसे क्या मांग रहे हैं? आपसे ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं आपसे. आपका ईमेल एड्रेस इज एवरीवेयर. ठीक, उसके अलावा वो आपसे क्या मांग रहे हैं? आपका कॉन्टैक्ट नंबर. व्हाट्सएप पे आपने एक दफा अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना ही देना है. सिग्नल पे भी कॉन्टैक्ट नंबर देना है, टेलीग्राम पे भी कॉन्टैक्ट नंबर देना है, वी चैट पे भी कॉन्टैक्ट नंबर देना है. जब इन सारी चीज़ों पर कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं तो वाई नॉट ऑन व्हाट्सएप. ठीक है, हम राहिल आप क्या कहेंगे जाते जाते हमारे लोगों को, ये रिस्की है कि नहीं है? मेरे मुताबिक तो रिस्की रिस्की है. आई विल टेक इंटरनेट वर्ल्ड इज रिस्की. आई विल टेक ओपिनियंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू द एकेडेमिया. आपको पता है, हम एक कॉमन बंदे के अलावा जो लोग एकेडेमिया से हैं, दे आर मोर कंसर्न, क्योंकि रिसर्चर्स हैं और रिसर्च इसमें डेली बेसिस पे करते हैं. मैंने उनसे भी ओपिनियन लिया. दे वर वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस, दिस इज वन ऑफ द सो कॉल्ड रिस्की और Will not allow कि जी हम इसको चीज़ में भी कर बिल्कुल सकते. जनाब, ये जो चर्चा चल रहा था और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद थे, हुमा उमर थी और राहिल इकबाल भट्ट साहब थे, जो हमें बता रहे थे कि ये हुमा का कहना था कि ये रिस्की नहीं है, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जबकि राहिल का कुछ अलग ही कहना था कि ये रिस्की है. लेकिन इस पर चर्चा होता रहेगा, ये बाद में पता चलेगा कि इसका क्या बनता है. तो